Okay. Now, Bitiya Rani, you have asked this question. Definitely, I am telling to you. Solution dekhiyega. 50x square minus 77xy और प्लस आपका 10y square. सबसे पहले मेरा बेटा, इसमें आप लोगों को क्या देखना है? हाईएस्ट पावर टू है. एंड दैट इज नॉट ओनली ऑफ वन वेरिएबल, इट इज ऑफ टू वेरिएबल. ये देखो, इट इज ऑफ टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स की पावर आपकी नाउ देखो, दिस इज वो है, वो आपका देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आप देख रहे हैं. मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है? और बेटे उसके बाद आप देखो आपका ट्राइनोमियल. तो जब तक आप इसकी डेप्थ में नहीं जाओगे ना, तब तक आपको दिक्कत होगी. अब इसमें कई बच्चे होने का, यार ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का दिखते हैं, तो देखना आपका, ट्राई करना, चेक करना, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन द नॉर्म्स फ्रॉम विच यू हैव टू गो इन द बिगिनिंग, फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा जिसमें मैंने पूरा लिखा है. पहले आपको कॉमन लेना है, फिर कॉमन अगर मिल गया इट्स ऑल राइट, अदरवाइज यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट का मतलब आपको क्या करना है, उसमें आपने कॉमन में जाना है, कॉमन के बाद आपका पेयर में जाना है. अगर पेयर बन गया इट्स ऑल राइट, पेयर के बाद भी कॉमन आपका निकलता है, अगर बन गया इट्स ऑल राइट, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट आईडी. और आईडी मस्ट बी ऑफ योर थर्ड पावर, सेकंड पावर. ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी. इनमें से कोई भी हमारा काम नहीं करता है. भाई जब ट्राइनोमियल का काम नहीं कर रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी काम तो करेगा ही नहीं. तो जब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हाईएस्ट टर्म विच हैव योर टू इज नॉट वर्किंग, इट्स नॉट फंक्शन, तो अब हमारे पास क्या रह जाता है? तो हमारे पास रह जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी. ये वाला फॉर्मेट हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रह जाता है, ठीक है? यही रहता है. आप क्या करते थे बेटा, फर्स्ट ए इंटू सी एंड यू मेक इट द प्रोडक्ट, यही बिल्कुल यही लगेगा. उसके बाद देन आप क्या करते थे, फैक्टराइज करते. फैक्टराइज किसको करते थे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आप फैक्टराइज करते थे. नाउ जब आपका फैक्टराइज हो जाता था, उसके बाद आप क्या करते थे, फैक्टर्स को देखते थे, फैक्टर्स को चेक करते थे. और उसके बाद जब आपके फैक्टर्स आ जाते थे, उन फैक्टर्स को आप क्या करते थे, एडजस्ट बाय, जो फैक्टर्स आए उन्हीं को एडजस्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई विथ प्लस और माइनस. उससे आपको क्या करना था, यू हैव टू ब्रिंग बी एक्स, आपको बीच वाला टर्म लाना था बी एक्स. दिमाग में जब ये फीड आउट कर लोगे ना, और जब आप मिसलनियस करने लगोगे, इसीलिए मैंने सब, अगर आप पहले से दिन से नाइन्थ का वीडियो आप पॉलिनोमियल का देखेंगे, तो आपको सारे वीडियो में देखो आपका नाम, ए क्यूब का अलग कराया हमने, स्क्वायर का अलग कराया, पेयर का अलग कराया, कॉमन का अलग कराया, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी आज हमारे पास तीन किस्म के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आपने पूछे, तीन में से आपका देखो. अब आपका देखो द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर विच आर योर 15 एंड 10 विल बी मल्टीप्लाई विद योर 150 प्रोडक्ट. जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर इनको करने की 15 इंटू 10 मत करो, 15 के फैक्टर कर दो 3 5 एंड देखो 10 के फैक्टर कर दो 2 5. इज इट क्लियर? अब आपका ये, अगर इसको आप ऐसे करेंगे देखो, ये 150, तो 150 का मतलब देखो 2 से 2 75 सर. इज इट क्लियर? नाउ देखो 3 से 3 25 सर एंड 5 5 सर. ज्यादा से कभी कभी 1 भी बहुत काम का होता है, हम सोचते हैं कि यार ये 1 का कोई काम नहीं होगा, कर सकते हैं, जरूरत नहीं है. तो क्या होगा, 2 बन जाए 2 हो जाएगा, 5 बन जाए 5 हो जाएगा, 6 बन जाए 6 हो जाएगा, या 3 बन जाए 3 हो जाएगा, जो भी आपका. तो देखो अब आपका देखो थर्ड, वट वी हैव द फैक्टर्स 1 2 3 5 5. यहां भी देखो 2 3 5 5 1 2. अब नाउ दीज ऑल फैक्टर्स यू हैव टू एडजस्ट, इनको एडजस्ट करना है. कि ये एडजस्ट करके मुझे मेरे बच्चे ये जो मिल जाए 77 मिल जाए, और 77 भी निगेटिव का मिलना चाहिए, निगेटिव का. आपका समझ रहे? तो देखो ये
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस का 150 निकलेगा। अब बच्चे का दिमाग, उन्हें कहा यहां तो देखो ये 150 यहां 150 नहीं है लास्ट में, तो इसका ना 10 15 150, क्योंकि आप ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। इज्जत के लिए फाइन, अब भी कोई दिक्कत है? बिल्कुल घबराना नहीं। देखो अगर आप यहां पे प्रॉब्लम आपको आई है और आप इसके बाद आपका, तो यू डोंट वरी फॉर द प्रॉब्लम्स, आई एम हियर ओनली। अब आप देख रहे हैं बेटे, तो देखो अब यहाँ पे देखो इसका पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने कर दिया, तो देखो बेटे 15x स्क्वायर माइनस देखिए बेटे 75xy, इसके साथ xy जुड़ जाएगा बेटे, ये जो नंबर से ये जो नंबर आप ऐड करते हैं, देखो 2xy, अगर ab होगा तो ab जुड़ जाएगा आपका, ठीक है बेटा ना? देखो 10y मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद जो सेकेंड नॉर्म है मैथ की, ग्रुप देखो ये ग्रुप और एक ग्रुप, 15 and 75 दे बोथ आर कम इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ 15 ओनली, तो 15 एंड द लीस्ट पावर आपका एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, एम आई राइट? तो अगर यहां बचा आपके पास एक्स, तो 15x स्क्वायर में से 15 तो ऑलरेडी आउट, आउट ऑफ दिस टू पावर वन इज ऑलरेडी आउट, सो यू हैव द बैलेंस ऑन दिस, दिस एक्स इज ऑलरेडी आउट, 15 7 आपका 15 5 सर, तो देखो माइनस का 5, 75 में से 15 आ गया। If you are going to factorize, if the first binomial is coming negative, दूसरा वाला भी negative आएगा, तो that's why इन दोनों में minus 2xy और plus 10y square में बेटा आप minus का 2y common ले लेंगे। तो इसके लिए minus इन दोनों में लिया, तो देखो यार 2y यहाँ common आ गया बेटा, यहाँ x बचा, 10 की table में से 2 आ गया बेटे, तो यहाँ का देखो minus का 5, क्योंकि तो minus plus का minus और minus minus का plus। If the first binomial is coming positive, second will come automatically positive. Keep in mind that. Fine? So now, beta, x minus 5y aa gaya beta, aur aapka 15x minus 5. Theek ho gaya? Clear? Ek to ye method tha. Aur ek method kya hota beta? Ye jo number hai, ye number do numbers ka sum hai. It is the sum of the two numbers. And those numbers are ye. A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 77, और लेकिन यहां पे बच्चा ए बी मल्टीप्लीकेशन में 15 10 सा आपको 150 ऐसे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो 12 वो तो आप लॉन्ग वीडियो में देख लीजिएगा, एक तो पहला सवाल का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 2, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। अब देखिए 99 ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस ही है, जरा चेक कर लेना क्वेश्चन में, क्योंकि ये फिर बहुत लफड़ा क्रिएट करेगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 99 प्लस है, अभी जान सुखा देता, एक ही माइनस पूरी जान सुखा देगा, पूरा एक घंटा ले लेता ऐसे क्वेश्चन को बहुत ढंग से। कभी भी आप जैसे किसी राइटर की भी आप लाते हैं या स्कूल में आप क्वेश्चन ले जाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट देखिएगा, क्योंकि ये मेरी बेइज्जती नहीं है या आपकी बेइज्जती नहीं है, ये जो हमारा टाइम कंजम्पशन है ना, जो हमने इतना टाइम लगाया इस सवाल को करने में और उसके बाद हम पसीने पसीने हो गए, आंसर ही नहीं आ रहा। ये देखो अब लगे रहते हम माइनस 99, ये बता देता जब मैं सवाल करता, ये बता देता कि प्लस का है या माइनस का है, ये यही बता देता। 12 नो प्रॉब्लम। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटे, इसको नाउ राइटिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये देखो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर है हमारे पास, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, चेक करोगे जब नहीं लगा तब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे जाते हैं। तो देखो राइटिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, अब कह दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इसके, तो देखो ऐसे करते हैं, यहां पे ये 99 ए स्क्वायर को आप यहां लिखिएगा बेटा माइनस 202 आपका ab को, एंड यू थ्रो इट बैक, इसको पीछे फेंक दो। इधर देखिए अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोलता, ए मल्टीप्लाई विद सी, ए मल्टीप्लाई विद सी, देख लीजिएगा ध्यान से सर, क्योंकि आपको परफेक्ट होना है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, याद रखिएगा ना।
इसमें मार्केट में भी है, ये 99 × 99, ये देखो दिस विल बी, ये अब आप यहां दिमाग में खोपड़ी में 99 को मल्टीप्लाई करते हैं 99 से, क्यों करते हैं, कर तो दिया, अब इसको प्रोडक्ट बनाना कोई जरूरी नहीं है कि यू आर आपका मल्टीप्लायर आपका मल्टीप्लीकेंट से हो रहा, नहीं, सीधा सीधा हमने क्या करता है प्रोडक्ट बनाते हैं ना, इस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं ना, तो फैक्टराइज करने का मतलब 11 9 जा और 11 9 जा, अब पहले मैं 99 को 9 से मल्टीप्लाई करता फिर 9 से डिवाइड करता फिर 9 से डिवाइड करता फिर 11 से डिवाइड करता, तो सीधा सीधा अब एक्सपर्ट वाला काम करें 99 ये दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, लेकिन 99 को मैंने 99 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आपका 99 के फैक्टर का से 11 9 आपका 11 9 आपका देखो ये जो आप फैक्टर्स आप क्या हैं, दीज आर द फैक्टर्स 9 9 11 11 जी, नहीं अब ज्यादा नीचे क्यों जाना आप एल मुझे मान, अब आपको ये 202 लाना है, इनको एडजस्ट कर इन नंबर्स को एडजस्ट करना है दीज फोर नंबर्स 9 9 11 11 को एंड यू हैव टू ब्रिंग दिस 202। अरे 11 11 जा 121, मैंने कहा था सर 1 से स्क्वायर से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद करिए, 1 के क्यूब से लेकर 30 तक का क्यूब याद करिए, उसके बाद फॉर्मूला और उसके बाद टेक्निक्स, तो देखो 11 11 जा 121 और 9 9 जा 81, माइनस का 121 और माइनस का 81 माइनस का 202 या प्लस या माइनस जो भी हो, और माइनस का 121 और माइनस का 81 जब मल्टीप्लाई माइनस माइनस का प्लस, तो बाकी तो आपका 11 × 11 × 9 × 9 वो कर लीजिएगा, आपका जो भी मल्टीप्लाई होगा वो तो आपको बता दूंगा। अब मैं एक बार 121 फिर 81 11 जा 1 12 जा 2 11 जा लगू फिर 81 जा 8 82 जा 16 81 जा 1 9 फिर मैंने कहा 1 10 आपका 8 9 9801 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है इतना करने से बढ़िया सीधा सीधा ही आपका फैक्टराइज कर जी बेटे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा मेरे बच्चा ही कहां पे ये इसके पहले तो ये साइन देखता, ये जब दो नंबर को ऐड करेंगे तो ये आएगा, यही नंबर को मल्टीप्लाई करके पीछे का साइन भी आना चाहिए, तो माइनस माइनस का प्लस और 99 9 जा वो जो आपने अभी कहा 9801 आपने कह दिया था वही आपका आएगा, इज इट क्लियर जो भी है, तो आप 99 a² - 81 या आपका 121 ए बी माइनस 81 ए बी आंसर तो 202 आना चाहिए पर 11 × 11 × 9 × 9 करके 11 × 11 × 9 × 9 करके 202 आना चाहिए। नो सर ऐड करके आता है वो ऐड करके आता ये पहले ऐड नहीं किया है जो फैक्टर आए 1 × 120 202 आए नहीं क्या एक बार जब आप ऐड करेंगे पहली बार में आप ऐड करेंगे तो बीच वाला नंबर आना चाहिए उसके बाद जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए ये जो आपका यहाँ आ रहा है हाँ तब ये पीछे वाला ये कोई जरूरी नहीं है ये सवाल ऐसे भी हो सकता है आपका देखो a² - 202 और प्लस 99 × 99 b² भी हो सकता था 99 × 99 को मल्टीप्लाई करके क्या आया था अभी अरे अभी क्या था 99 9 9 81 अरे सर तो आपका मैं सर को बताना चाह रहा हूँ आपका ये वन ये आपका कितना ये आपका कितना 88 यही अच्छे तार है मैंने कहां पे गलती की जरा बताइए अरे हाँ ये तो ये 9 है यार 0 9 1 10 8 18 यही आ रहा है 9801 जब आप 121 और 81 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9801 ही आएगा सर
इन नंबरों की खासियत यही तो है, इतने मिडिल टर्म स्प्रिंटिंग पढ़े आपने, ये वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। मेरा बताने का है, आपने पहले 99 को 99 से अगर 99 × 99 को बनाया है, 9801 बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट मेथड, इनको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा था। इधर देखिए, अब आपने 9801 को पहले आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 9 से डिवाइड होगा और फिर 11 से डिवाइड होगा और फिर 11 से डिवाइड होगा, 11 जा 121 आएगा आपका, 91 जा 9, 92 जा 18 और 91 जा 9 और 981, 99 जा 81, ये ऐसे आए, इसका फैक्टराइज करते हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स को फिर एडजस्ट करते हैं, जो एडजस्ट किए ये फैक्टर आए 99 देखो, अब आपका ये लाना हमें ही होता, पहले इन नंबर्स को ऐड करके ये लाना होता, फिर पीछे मल्टीप्लाई करके ये साइन के साथ वो नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है। बिल्कुल बिंदास कहीं दिक्कत होती है ना, मैं बैठा हुआ हूं यहां पे, यहां भी देखिए। अब आप जब ऑफलाइन में आपको दिक्कत आ रही तो ऑनलाइन में कितनी दिक्कत आती होगी, वहां तो मास्टर पढ़ाया और चल दिया, आप समझ रहे। अब आप समझ गए कि अभी भी कोई दिक्कत है, बिल्कुल बिंदास बोलो। अब आपका जब ये हो तो ये जब फैक्टर किया आपने, देखो आपके सामने अभी मैंने करके दिखा दिया आपका, देखो तो माइनस का 120 माइनस 202 आ गया इसे, और माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हुए तो प्लस, और आपका 99 को 99 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही 121 को 81 से मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी कि ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 9801 ही आएगा। अब क्लियर है, अभी भी कोई लघु शंका है दिमाग में? नो स्मॉल डाउट, नो माइनर डाउट, ठीक है, वेरी नाइस, होना भी नहीं चाहिए और है, बिल्कुल बोलो। इन दोनों में देखो, दीज बोथ नंबर्स दे कम्स इन मल्टीपल टेबल ऑफ 11 ए, दोनों में कॉमन, लीस पावर बी इज नॉट अवेलेबल हियर, तो 99 में से 11 आ गया तो ये 9 ए बचा, 121 में से 11 आ गया, 11 × 11 आपका, ठीक है सर, क्लियर है। अब यहां पे ये किसी के टेबल में आता है 9 और यहां पे मैंने बी स्क्वायर नहीं लिखा था, आपने बोला नहीं तब तक, देखो इन दोनों का ग्रुप बना, देखो 9 बी कॉमन आ गया तो 981 में से 9 की टेबल आ गई तो 9 ए, और ये माइनस निगेटिव है तो यहां भी निगेटिव आएगा आंख बंद करके आपका, देखो ना, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, 9 11 जा 99, बी इज ऑलरेडी आउट, तो दिस 9 ए, दिस इज 9 ए माइनस आपका ना, दिस इज 11 बी और आपका देखो दिस इज 11 ए और माइनस, मिडिल टर्म स्प्रेडिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको नहीं, अभी कोरोना पीरियड में मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों तक को देख रहा था, मैं उनको प्रॉब्लम थी, जबकि केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट हिंदुस्तान में सबसे टॉप का आता है। और याद रखिएगा, लास्ट टाइम इसी हल्द्वानी में मैथमेटिक्स के टीचर को पूछा गया केंद्रीय विद्यालय के किसी बड़े डायरेक्टर से, क्या आप जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं इसमें बच्चा सेटिस्फाइड है? अगर आप मास्टर बोला जबरदस्ती हाँ सेटिस्फाइड है, तो फिर जब बच्चा सेटिस्फाइड है तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? Why this problem is coming? If the child is up now satisfied in a online study, मैं यहां पे offline या online का दोनों का वो नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जिक्र से कर रहा हूं, क्योंकि आपकी और मेरी ट्रांजेक्शन, आपकी मेरी इंटरेक्शन आपकी फर्स्ट क्लास होती है जब आप ऑफलाइन में बैठते हैं। अभी आपका देखो प्रॉब्लम ही, आपने कहा प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, ये ऑफलाइन का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसलिए क्लासेस, बच्चों को वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए और क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए, सिंपल सी बात। बार अब आपका देखो थर्ड सेट इन एक्स स्क्वायर प्लस 12x/35 और प्लस ये 1/35। अब बच्चा कह रहा है यार हाईएस्ट पावर तो ठीक है, इधर देखिए हाईएस्ट पावर ठीक है, लेकिन इधर तो ये जो दो टर्म 12x/35 और 1/35 दिख रहा है, ये तो रैशनल एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये रैशनल एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना यार, किसी को याद तो करना पड़ेगा ना हमें,
इससे पहले हमने सॉल्व पढ़ा था ना, उसमें रियल नंबर भी हमने पढ़ा था ना, तो ना अब आगे अब ये इसका मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का तो लगता नहीं है क्योंकि ट्राइनोमियल है आपका। इसका मतलब इसका फॉर्मेट भी है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर बन जाए, इम्पॉसिबल अगर संभव है तो डेफिनेटली आप करेंगे। तो क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है इसको वन मान लिया जाएगा, तो 135 का एलसीएम आपका यहाँ 135 सा, तो 35 एक्स स्क्वायर जा 35 एक्स स्क्वायर, 35 वन जा तो 112 एक्स जा प्लस 35 वन जा। आप देखिएगा ये 1/35 ये बाहर आ गया, अंदर आपके पास 35 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स और प्लस 1 ये आया था। नाउ दिस इज द मिडिल टर्म स्क्वायर, ये मिडिल टर्म स्प्रेडिंग आ गया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ट्राइनोमियल का फर्स्ट आपका जो स्पेशल प्रोडक्ट का फॉर्मूला वो तो यूज नहीं होता, तो जब वो यूज नहीं होता तो हम किसके पास जाते हैं आपका मिडिल टर्म स्प्रेडिंग के पास, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में जो आपने बोला बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन उसको मिडिल टर्म स्प्रेडिंग कहते हैं। मिडिल टर्म स्प्रेडिंग भी कभी कभी फेल हो जाती है तो तब आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में श्रीधराचार्य उमर खयाम 10th में जाते हैं और वहां भी कभी फेलियर हो जाता है थर्ड वाला कंडीशन, तो फिर 11th में जाते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा में, याद रखिए सारी टर्म्स में। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए मल्टीप्लाई विद सी एंड आपका नाम यू हैव टू मेक इट द प्रोडक्ट, ये सारा साफ साफ लिखा है। तो देखो 35 वन जा 35 आप इस 35 को क्या करेंगे आप फैक्टराइज करेंगे 5, 7, 7 and you got the factors 5 and 7. Now you have to adjust these 5 and 7. Plus ka 5 or plus ka 7. When they will be added, then is 12. Or now plus ka 5 and plus ka 7. When they be are multiplying, so now plus ka 35. अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 1 है, अरे सर इसको 35 बन जा कितना हुआ? 35. आ गया? अब तो नहीं है doubt? Doubt है तो जरूर बताइएगा please. मैं कोशिश मेरी यही रहेगी आपका डाउट। अब देखो ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं प्लस देखो 5x प्लस 7x प्लस 1, ये किसी डॉक्टर ने नहीं कहा 7x को पीछे लिखो, या कई बार मैं सुनता हमारे सर ने अभी 10th के बच्चे हमारे मैम ने तो ऐसा कहा, कैसे कह दोगे आप ये कहा मैंडेटरी लिखा हुआ है, वेर इट इज रिटन आपका नाम, कैन यू शो मी आपका नाम, द नाम्स ऑफ द सीबीएसई कि 5 को बाद को लिखा है पहले लिखा, कहीं भी आप लिख सकते हैं। उनको कहना तुम भी जहां पे हो वहीं पे रहो, आप इनको कहीं भी लिखो। हाँ ये जरूर है कि भाई आप 9th के बच्चे हैं तो पहले 9th ही पढ़ोगे ना, 12th में तो नहीं जाओगे, और 12th के बच्चा 9th की क्लास में तो नहीं आएगा ना पढ़ने के लिए, बस इतना हम ख्याल रखते हैं बड़े और छोटे का ख्याल, बस वो बड़े और छोटे का ख्याल रखना हमें। लिख दिया तो भी बच्चे को एनआरएस नहीं करना है, अरे क्या कर दिया तूने आता नहीं तेरे को लिखना, पहले 7 कम आता है पहले 5 आता है, यार ये समझाना तो तुमने बचपन में था ना, अब 9th में आके थोड़ा समझाओगे। तो देखो एनी हाउ तो देखो आपका जी फॉर ग्रुप सी फॉर कॉमन, ये 1/35 ऐसे रहेगा, इन दोनों का ग्रुप देखो, अब आपका देखो 5x कॉमन लिया इधर से, तो देखो 7x प्लस 1 क्योंकि 5x बाहर आ गया, इन दोनों में 1 जब कुछ अवेलेबल नहीं है तो 1, इफ नथिंग इज अवेलेबल तो 1 इज ए यूनिवर्सल नंबर व्हिच कैन बी मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर, सो नाउ तो देखो इट विल बी रिपीटेड अगेन, तो देखो 7x प्लस 5 ऐसे करोगे 1/35 इंटू 7 एक बार कॉमन, अब करो 7x प्लस 1 और आप करो 5x प्लस 1, इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं 5x सॉरी। अब इसको यहां छोड़ दिया तो नहीं छोड़ना चाहिए, देखो 5x प्लस 1, अरे अगर इतना ही हम बच्चों को अगर इतना ही अकल होती है तो तेरे पास पढ़ते हैं, इसीलिए तो मेरे पास आ रहे पढ़ने के लिए, इज इट क्लियर प्लीज डू इट, फिर उसके पास जाता हूं। अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन द नेक्स्ट वन इज, अभी मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख रहा हूं। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज स्पेशली, अभी देखो ये 3 क्वेश्चन आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थे, देखो आप देखिएगा ये इधर लुक सर इसको नगर कोटी सर आप इसको छोड़ दीजिए अभी प्लीज, सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए
एक्स की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x पर माइनस 6। आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो 4, 1, 2, 3, 4, हाईएस्ट पावर 3, इसमें से हाईएस्ट पावर 3 इसमें से देखो 2 आर पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है, एन आपका देखो 2 आर नेगेटिव, 2 नेगेटिव। तो क्या 4 टर्म्स वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला है? पहले तो हमने चेक करना ना इसका वाला 4 वाला। यार यार मेरे पास तो ठीक था, ये था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर, इसे बोलो जिसको हम ए माइनस बी का होल क्यूब कहते हैं। आपने देखा सारे नॉर्म्स पढ़े, लास्ट में आप आए ये भी आपने कहा नहीं यार ये तो ए का क्यूब तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये बी का क्यूब तो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो आईडी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर के आईडी आपकी फेल हो। तो जब आपका फॉर्मूला फेल हो गया तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आपकी मदद करेगा इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने? इसके लिए 3 मेथड है और ये जो अब आ रहा है ये क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर में रिमाइंडर बसता है, फैक्टर थ्योरम पे जीरो आ जाता है फैक्टर थ्योरम। इस फैक्टर थ्योरम में भी देखो आपका नाउ 3 फॉर्मूले, एक तो नॉर्मल मेथड आता है, देखो इधर एक नॉर्मल मेथड आता है, एक आपका ना लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है और एक उसके बाद आपका हिट एंड ट्रायल मेथड आता है। नॉर्मल मेथड इसमें एक बार फर्स्ट टाइम में इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड और हिट एंड ट्रायल बाद को लगेगा, पहले नॉर्मल मेथड इनमें भी लगता है और नॉर्मल तो नॉर्मल। अब ये जो फॉर्मेट बेसिकली हम देखते हैं तो ये क्यूबिकल का होता है पॉलिनोमियल का, जो आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी का फॉर्मेट होता है। यहां पर डी बेसिकली आपका कॉन्स्टेंट होता है विच इज विदाउट वेरिएबल, जिसके साथ कोई भी एक्स कोई भी वाई कोई भी जेड नहीं लगता है उसको आपका कॉन्स्टेंट कहते हैं। दिस कॉन्स्टेंट में भी निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, प्लस 5 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 6 कुछ भी हो सकता है। बस याद रखेगा ये बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह ही काम करता है, काम करता मीन्स इसके पहले नॉर्म फैक्टराइज तक वही करता है। देखो अब ए देखो ए मल्टीप्लाई विद सी एंड प्रोडक्ट बनाइए और उसके बाद इस प्रोडक्ट को छलनी कर दीजिए मीन्स फैक्टराइज कर दीजिए और उसके बाद फैक्टराइज करने के बाद आपका देखो फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स आते हैं उन्हीं फैक्टर्स की वैल्यू रखी जाती है इस एक्सप्रेशन में और अगर वो जीरो हो जाते हैं इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर होता है। हाईएस्ट पावर 3 है इसके 3 फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर। हाईएस्ट पावर 2 वाले सवाल अभी आपने देखे कितने फैक्टर थे? 2। हाईएस्ट पावर 4 होगी तो आपका 4 फैक्टर, याद रखिए। तो देखो अब देखिए सॉल्यूशन करें 6 × 6 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह, तो 1 × 6 = 6। अब ध्यान से देखिएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है, की तरह है, 3 स्टेप तक वहीं तक, चौथा नहीं आता है। तो देखो 6 के फैक्टराइज करें 2, 3, 4। अब जो फैक्टर्स आए फैक्टर्स देख लीजिएगा 1, 2, 3, इसका मतलब x की वैल्यू प्लस 1 रखोगे तो 0 आ सकती है, x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो जी मतलब अगर प्लस 1 रखा 0 नहीं आ रही है तो माइनस 1 रखोगे, अगर 0 नहीं आए तो प्लस 2 रखोगे, अगर 0 नहीं आए तो माइनस 2 रखोगे, अगर नहीं आई 0 प्लस का 3 रखोगे और नहीं आए तो माइनस 3। यानी कि ए आपका जो 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं इसके भी 6 फैक्टर दिख रहे हैं, इसे प्लस माइनस रखना पड़ता है। अब बात आती है यहां पे आकर के कि सर किसको पहले रखें? आपके कोर्स के मुताबिक 98% इंडिया में जुगाड़ सवाल के अंदर में देखिए। अब आप क्या करेंगे द कोफिशियंट्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स विथ कॉन्स्टेंट विथ साइन
को प्लीज एड एंड सब्ट्रैक्ट दे। और अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाता है, इसका मतलब सीधा सीधा एक्स की वैल्यू वन रख देंगे। देख लीजिएगा सर, अब देखो वहां देखो, वहां देखो वन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स, क्या बोला है? कोफिशियंट्स को कलेक्ट करिए, देखो वन इधर देखिए, वन माइनस सिक्स प्लस इलेवन, देखो इधर सारे देखो ये नंबर को माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस कर प्लस कर जीरो आ गया। इसका मतलब ये एक्स माइनस वन इक्वल जो एक्स है ना, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, सीधा सीधा रख दीजिए। ये जुगाड़ बता दिया मैंने कि चेक करते रहे, पसीना निकल जाएगा आपका धुआं, इसलिए ये भी एक थोड़ा सा टिप्स है। तो देखो अब आपने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे, ये तो आपने रफ कॉपी में किया, ये किसी को बताना नहीं कि ये जुगाड़ आपका कैसे चल रहा है। मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पे लिख देंगे, इफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो नाउ एक्स इज इक्वल टू वन, ये माइनस वन इधर आएगा, तो देखो आपका नाम। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट, या एग्जैक्टली सपोर्टिंग सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इन पी एक्स। पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल, ये जो आपको दिया था इसको पी एक्स इज इक्वल टू लिखो, पी एक्स, ठीक है। अब आपका याद हो इधर पी माइनस वन माइनस वन का क्यों माइनस सिक्स आपका देखो, इसका माइनस वन का स्क्वायर देखो प्लस इलेवन माइनस वन और माइनस सिक्स, ये देखो यहाँ पे दो चीजें, इफ एनी निगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर आंसर इज निगेटिव, और इफ एनी निगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर आंसर इज पॉजिटिव। ये दो चीजें, तो निगेटिव की ऑड पावर है सीधा सीधा माइनस का वन, निगेटिव की इवन पावर है माइनस माइनस का प्लस, लेकिन बाहर है आपका प्लस माइनस का माइनस। और आपका देख लीजिए क्या मैंने गलत किया या सही किया, देख लीजिए देखिए माइनस वन रखा मैंने, आप चेक करेंगे नहीं तो मैं चेंज करूंगा इसको। देखो आप मैं जो पढ़ा रहा हूं यहां भी बोर्ड पे ध्यान रखो, ये माइनस वन हुआ माइनस माइनस का प्लस, ये माइनस हो गया ये माइनस वन, देखो सारे आगे इसका मतलब क्या होना था एक्स प्लस वन, तो माइनस वन कर। कभी कभी ये फेलियर हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कर, हो गया। अब आपका ये माइनस वन हो गया, यहाँ क्या प्लस वन था ना, पहले मैंने क्या रखा था माइनस वन या प्लस वन रखा था, माइनस रखा था, लेकिन मैंने जब माइनस रखा था तो मेरे उस्तादों ये आपका प्लस वन नहीं हुआ, तो आप देखो ये प्लस वन नहीं हुआ, ये प्लस वन, ये प्लस वन, ये प्लस वन नहीं हुआ। तो देखो आप यहाँ पे ये वन माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस, तो देखो आप इतना तो आप भी ख्याल रखेंगे, ये देखो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, जब मैं बता रहा हूँ एक्स माइनस वन, मैंने बिल्कुल सही बोला था ये। तो देखो अब आगे ये नॉर्मल मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है, ऐसे आप दो बार इसकी वैल्यू और रखेंगे। दो बार इसकी वैल्यू रखने का मतलब आपका क्या हो गया, एक बार देखो फिर देखो ये पहले रखा, अब आपका चेक कर लेते देखो, इफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देखो सेकंड मेथड, तो देखो सब्सटीट्यूट आपका एक्स इज इक्वल टू टू इन पी एक्स, देखो ये नॉर्मल मेथड चल रहे हैं। अब देखो पी एक्स की जगह मैं आपका देखो टू रखा, तो एक्स क्यूब टू का क्यूब ऊपर देखेगा पी एक्स सिक्स इंटू टू का स्क्वायर, देखो प्लस इलेवन इंटू टू माइनस सिक्स, यहाँ रख रहे हैं वैल्यू देखो टू का क्यूब एट माइनस टू टू का फोर सिक्स ट्वेंटी फोर, देखो आपका प्लस ट्वेंटी टू और माइनस सिक्स, देखो ट्वेंटी टू प्लस एट इज थर्टी एंड आपका देखो माइनस थर्टी जीरो हो गया। एक बार आपका देखो फिर, अभी मैंने क्या नहीं लिखा वो भी मैं बताऊंगा आपको। आपका देखो इफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो देखो एक्स इज इक्वल टू थ्री सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन पी एक्स, जीरो आ रहा है अभी देखो खाली में, अभी वो देखो पी का मतलब थ्री, देखो थ्री का क्यूब देखो माइनस सिक्स इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस इलेवन इंटू थ्री और माइनस सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री जा नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर प्लस थर्टी थ्री माइनस थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन इज सिक्सटी,
और माइनस सिक्स फिफ्टी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू प्लस वन रखने पे भी जीरो आई, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू प्लस टू रखने पे भी जीरो है। तो जब जीरो आएगी, जब जीरो आ जाएगी तो यहाँ पे सीधे सीधे एक स्टेटमेंट लिख देंगे एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ आपका देखो ना दिस इज द पी एक्स, यहाँ पे भी जीरो आ गई तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ ना फैक्टर ऑफ पी एक्स, और यहाँ भी वैल्यू थ्री रखने पे जीरो है तो यहाँ पे अभी रख देंगे एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। बिल्कुल, लेकिन ये क्या है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपका कैलकुलेटिंग आपका हो जाएंगे, आप कर लेंगे, अभी नहीं कर सकते। तो देखो इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल आपका एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू आपका एक आपका देखो एक्स माइनस वन से फैक्टर जीरो हुआ था तभी आपने ये लिखा, एक आपका एक्स माइनस टू से जीरो हुआ था तभी आपने ये लिखा देखो, और एक आपका एक्स माइनस थ्री से आपका जीरो हुआ था तभी आपने हाईएस्ट पावर थ्री तो फैक्टर भी आपके थ्री, जितनी पावर होंगे उतने फैक्टर होंगे एजेप्ट के लिए। अब देखिए ये आपका क्या था नॉर्मल मेथड, क्या था नॉर्मल मेथड, ये नंबर्स को फैक्टर आपका नाम जितने भी नंबर आएंगे उनके आपका अल्टरनेट प्लस माइनस रख करके वैल्यू को चेक किया जाता है, अगर जीरो आ जाएगा तो वो लिख देंगे कि दिस नंबर इज द फैक्टर ऑफ आपका नाम पी एक्स, इज इट क्लियर, ये नॉर्मल आपका होगा। वेट, दूसरा मेथड, दूसरा मेथड है लॉन्ग डिविजन मेथड, लेकिन लॉन्ग डिविजन मेथड के लिए फर्स्ट वैल्यू चेक ऐसे ही की जाती है और एक वैल्यू आपका एक फैक्टर आपका निकाल लिया जाता है। आपने पूरी प्रोसेस ऐसे की, प्रोसेस करने के बाद आपने चेक किया, वो तो मैंने यही आपको जुगाड़ों में बता दिया कि कोफिशिएंट्स को नंबर को आप ऐड करके देख लेना जीरो आ जाएगा तो सीधा सीधा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रख देना, इज इट क्लियर। अब आप करो लॉन्ग डिविजन मेथड के लिए पहला फर्स्ट स्टेप यही है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप यही करना है नॉर्मल मेथड, बस उसके बाद इतना करने के बाद आप सेकेंड स्टेप में आपका लॉन्ग डिविजन मेथड में आ जाएंगे, यानी कि जिससे वैल्यू रख करके जीरो हुआ दिस इज अ फैक्टर, इसको आप बना देंगे डिविजन और जो आपका है वो डिविडेंड आपका बन जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे। देखो तीन चीजें मैथमेटिक्स में, व्हाट वी हैव, व्हाट वी वांट, व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज अवर नीड, जो मैंने आपको बताया था। तो मेरे पास ये है, मुझे लाना ये है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स क्यूब आ जाए, ये लॉन्ग डिविजन मेथड आप एथ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे एक्स क्यूब की जरूरत है, एक्स क्यूब में से मेरे पास एक्स की पावर वन है तो मुझे क्या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर एक्स जा देखो एक्स क्यूब इस बाइनोमियल के साथ फिर ये मल्टीप्लाई हो प्लस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर बच जाए एक्स स्क्वायर, इधर सा थोड़ा सा आपका टेक्निकल जरा स्ट्रांग हो जाइए, इधर ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल होगा, अब ये हट जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर में से प्लस का एक्स स्क्वायर ये हट जाता है साइन चेंज होने पे, तभी कटे तो देखो माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर एंड द होल टर्म विल बी रिटन हियर, अब ये माइनस है देखो आगे इधर सर यहां देखिए यहां ये माइनस है तो यहां भी माइनस है, माय रिक्वायरमेंट इज माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, आई हैव ओनली वन एक्स मेरा इसका मतलब मुझे फाइव, इधर देखो ये फाइव एक्स माइनस प्लस का माइनस फाइव एक्स एक्स माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस देखो फाइव एक्स ऑन सब्ट्रैक्शन यहां लिख दिया यहां लिखने के तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस एक अलग अब यह हट जाएगा इलेवन में से फाइव गया सिक्स एक्स एंड इट विल बी कंटिन्यू है ये प्लस है आगे से तो प्लस अब आपका देखो मेरी रिक्वायरमेंट सिक्स एक्स मेरे पास वन एक्स है इसका मतलब सिक्स सिक्स एक्स सिक्स एक्स और प्लस माइनस का सिक्स ये प्लस ये माइनस रिमाइंडर रिमाइंडर जीरो आ गया। अब आपके पास देखो ना दिस इज क्वेश्चन क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, ये कई बार इसमें फॉर्मूला भी लग जाता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं लगेगा तो मिडिल टर्म इसमें सिक्स वन जा सिक्स थ्री टू जा सिक्स थ्री एंड टू फाइव यानी माइनस का थ्री माइनस का टू जब ऐड होंगे माइनस का फाइव माइनस का थ्री माइनस का टू जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस का सिक्स इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पूरा कर दिया था देखो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर
माइनस थ्री एक्स माइनस, अब कोई टीचर क्या था तो देखो इसमें टू एक्स ये माइनस थ्री एक्स, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आगे पीछे लिखने में। तो देखो जी फॉर ग्रुप सी फॉर कॉमन, ये देखो दोनों का ग्रुप एक्स एक्स कॉमन, यहाँ से एक्स बचा माइनस टू इज बैलेंस हियर, इन दोनों में माइनस थ्री कॉमन, द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव सेकंड विल कम ऑन, देखो थ्री ऑलरेडी कम ऑन, ये देखो सिक्स की मल्टीपल थ्री की मल्टीपल सिक्स टू टाइम्स आता है एक्स माइनस टू, फिर कॉमन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस, देखिए इसका मतलब डियर फोर जो पी एक्स पॉलिनोमियल जिसको फैक्टराइज किया दैट वाज योर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स, वन फैक्टर वाज ऑलरेडी यू हैव इन द बिगिनिंग जिससे जीरो हुआ एंड द क्वेश्चन वाज फैक्टराइज हाईएस्ट पावर टू, तो दो फैक्टर आ गए। ये था आपका लॉन्ग डिविजन, लॉन्ग डिविजन मेथड के लिए भी आपको फर्स्ट ये वाला नॉर्मल वेल मेथड ही करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड थर्ड, इधर इतने बड़े बड़े स्कूल्स में आप पढ़ रहे हैं आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, उन्होंने नहीं कराया तो मुझे ही क्लियर करना पड़ेगा। देखो हिट एंड ट्रायल में भी पहला स्टेप यही होगा, फर्स्ट नॉर्मल स्टेप होगा, नॉर्मल मेथड ही होगा, यानी कि ये आपने पी एक्स यू हैव रिटन द होल क्वांटिटी या होल एक्सप्रेशन आपने ये लिखा और उसके बाद आपने इसके सिक्स को फैक्टराइज करके वो जो मैंने आपको बताया ये आपने किया जैसे आप नॉर्मल में आपने किया था, और उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर यहां से करना पड़ेगा ये इफ एक्स माइनस वन से लेकर के यहां तक, और आपका ये जब जीरो हो जाएगा उसके बाद आप जो लिखते हैं एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये आपको इसमें भी करना पड़ेगा। बस अब यहां से आगे आपका हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है। ये मेथड में दो ही लाइन में आपका सवाल हो जाता है, जबकि देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट में, लेकिन इसको मैं आपको समझाने के लिए लिखूंगा हिट एंड ट्रायल मेथड में। आपका देखो ये हाईएस्ट पावर कितनी है थ्री, तो देखो यहां पे लिखना पड़ेगा ये आपका, देखो आपको समझाने के लिए कि नाउ द हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन इज आपका नाउ थ्री, सो हाईएस्ट पावर देखो एक्सप्रेशन में थ्री है, सो इट्स प्राइम फैक्टर जो भी होगा यहां पे प्राइम फैक्टर जिससे जीरो हुआ है इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं, जिससे सबसे पहले आपका फैक्टर जीरो आपका एक्सप्रेशन जीरो है, सो इट्स प्राइम फैक्टर इज रिटन थ्री टाइम्स, यानी इसको तीन बार आप लिखेंगे रिटर्न थ्री टाइम्स या थ्राइस भी आप लिख सकते हैं। आपका एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन को तीन बार, अगर आप यहां एक्स माइनस टू से पहले चेक कर रहे होते तो यहां पे एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस, अगर आपने इसको नॉर्मल मेथड में एक्स माइनस थ्री से जैसे हमने नॉर्मल में देखा है उसे, तो यहां पे एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, आप देख लीजिएगा सर इसको चैनल में जाकर के देख लीजिएगा, एक ही बंदा आपको क्या बड़े बड़े चैनल में तीन मेथड से बताता नहीं बताता, तब देखिएगा तब सब्सक्राइब लाइक और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जाने की बात तब करनी चाहिए हमें, तब कमेंट्स तब आप भेजिएगा। देखो अब यहां मल्टीप्लाई यहां मल्टीप्लाई यहां मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, इसको मैं अपने हिसाब से लाइन ऑफ कंफर्मेशन कहता हूं कि मुझे इस लाइन को कंफर्म करना है इसलिए मैं करता हूं। देखो अब देखो मुझे चाहिए एक्स क्यूब, यहां देखिए यहां प्लीज ये देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा इसको पहले वाले को एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब आगे, लेकिन ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर माइनस का, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर मेरे पास माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर मुझे मिल जाता है तो ये दोनों मिलकर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर होगा। तो अब दूसरे वाले में आप क्या करेंगे माइनस के फाइव एक्स से मल्टीप्लाई करो माइनस फाइव एक्स एक्स माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस माइनस फाइव एक्स बन जा फाइव एक्स, ये तो आ गया आपका माइनस एक्स ये तो आ गया। अब आप मुझे चाहिए प्लस का इलेवन एक्स, मेरे पास तो अभी फाइव एक्स, अगर कास्ट मेरे पास प्लस का सिक्स एक्स हो जाता तो ये दोनों मिलकर के देखो आपका इलेवन एक्स हो जाता, इसके बाद थर्ड वाले में मैं सिक्स सिक्स एक्स सिक्स एक्स और प्लस माइनस का माइनस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस आ गया। इसके बाद इसको कॉमन
को आपका ये जो कॉमन है इसको कलेक्ट कर लो, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स वन जो आपने थ्री टाइम्स लिखा था इसको देखो। अब देखो बचा क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा, यहाँ क्वेश्चन में क्या आया था, वही आया था। ये एक्चुअल में देखो दो लाइन में हो जाता है, लेकिन ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा नए बच्चों के लिए आपने कैसे करना है। तो देखो अभी हो गया, अब यहां देखो इसमें मिडिल टर्म है स्प्लिटिंग, तो एक्स माइनस वन ये ऐसे चलता रहेगा, वन सिक्स तो देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स हो गया। जी फॉर ग्रुप सी फॉर कॉमन, देखो इन दोनों का ग्रुप तो एक्स माइनस वन ही हो गया, इन दोनों में देखो एक्स कॉमन आ गया, सॉरी पहले ये ब्रैकेट लगेगा ना, देखो एक्स माइनस थ्री इन दोनों में माइनस टू, फर्स्ट बाइनोमियल नेगेटिव सेकंड ऑटोमेटिकली माइनस क्योंकि माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस। अब आपका देखो ये फिर कॉमन, आपका देखो दिस एक्स माइनस वन चलता रहेगा, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन, पहले जो कॉमन आए वो लिखेंगे, अब लास्ट में तब आप लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू असेंडिंग ऑर्डर में एक्स माइनस वन। ये आपका देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड नॉर्मल मेथड, तीन मेथड आपके बना दिए। नॉर्मल मेथड में ऐसे ही चेक करके फैक्टर करने के बाद जो आपका ये जो मल्टीप्लाई जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि इनको एक्स का हाईएस्ट क्यूब का जो आपका कोफिशिएंट है उसको इसके साथ, जैसे आपका ये था वन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइन सिक्स वन जै सिक्स सिक्स वन जा सिक्स के फैक्टर करने के बाद टू थ्री जा और थ्री वन जा करने के बाद प्लस का वन माइनस का वन प्लस का टू प्लस का थ्री माइनस का थ्री। ये ऐसे इन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, अगर इससे जीरो नहीं आता एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, अगर उससे जीरो नहीं आता तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, उससे जीरो नहीं आता एक्स माइनस, क्योंकि जब जब आप एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो रखेंगे एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा, उससे नहीं आएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो रखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, ऐसे एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एक्स नहीं आएगा, एक से जरूर आएगा तभी वो फैक्टर होगा उसके बाद आपको। तो नॉर्मल में सीधा सीधा तीन बार ऐसे वैल्यू रख दो, और लॉन्ग डिवीजन में ये फर्स्ट स्टेप तो नॉर्मल का करना पड़ेगा, उसके बाद जिससे फैक्टर हो रहा है उससे उसको डिवाइड करके आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन के कभी कभी फैक्टर होते हैं, कभी कभी आईडी लग जाती है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी बी स्क्वायर नहीं लगती तो मिडिल टर्म स्प्लिट, कभी कभी नहीं होता वैसे छोड़ दीजिए। और जब आपको ये आ गया तो देखो हिट एंड ट्रायल मेथड में फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही करना पड़ेगा, और उसके बाद इसमें जो भी फैक्टर जीरो हो रहा है उसको आपका तीन बार लिख दो, तीन बार लिख करके उसमें मल्टीप्लाई करके उस रिक्वायर्ड इक्वेशन को लाने की कोशिश करो, और उसके बाद इज इट क्लियर फाइन। इसको आज जरूर जाइएगा, एक ही चैनल में एक ही टीचर ने तीनों मेथड से बताया, जरूर लिखेगा। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस।